डेकू के न्यू फॉर्म के चक्कर में वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। लेकिन क्या ये डेकू का पागलपन ही है जो शिगराकी को हरा पाएगा, या फिर ऑल फॉर वन शिगराकी को पास करना ये पूरे इंटायर माय हीरो एकेडमिया का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था? तो ये सब जानने के लिए लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर की शुरुआत में जितने भी यूजर्स थे वो सब लोग जान जाते हैं कि शिगराकी को फिजिकल स्ट्रेंथ से हराना नामुमकिन है, और अगर डेकू वन ऑन वन लेता है शिगराकी से तो वो हार जाएगा। लेकिन स्टार एंड स्ट्रिप के वेस्टिस के मदद से वो लोग ये पता लगा लेते हैं कि टेनको सेमरा अभी भी कहीं छुपा होगा शिगराकी के एक वेस्टिस वर्ल्ड में। तो इसी दौरान सेकंड यूजर के द्वारा एक आइडिया आता है जिसमें वो ये प्लान करता है कि वह अपनी क्वर्क शिगराकी के अंदर ट्रांसफर कर देगा जब वह डेकू से लड़ रहा होगा, तो इसके चलते हुए शिगराकी को पेन फील होगा ना कि डेकू को। तो इस प्लान के मदद से शिगराकी को अंदर से अटैक करने का सोचते हैं, लेकिन इस प्लान से सहमत नहीं था, बट उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। देन हमें बताया जाता है कि वन फॉर ऑल ट्रांसफर हो सकती है अगर वो तुम्हारा डीएनए ले, बट वन फॉर ऑल विलिंगली भी ट्रांसफर हो सकती है, भले ही आप उसको लेना चाहो या ना चाहो, इट्स डिपेंड ऑन यूजर्स। तो डेकू एक प्लान बनाता है कि वो इम्पैक्ट के दौरान अपना ब्लड उसके वॉन्ड पे डाल देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था बिकॉज ऑफ शिगराकी फास्ट रीजनरेशन। तो वो ये प्लान करता है जैसे ही डेकू शिगराकी और को पंच लैंड करेगा वो अपने क्वर्क तभी ट्रांसफर कर देगा, लेकिन शिगराकी इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो सिर्फ सारी चीजें डिस्ट्रॉय करनी है अपनी क्वर्क से, भले ही वो डेकू या पूरा एंटायर जापान क्यों ना हो। तो जैसे ही डेकू एंड शिगराकी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, डेकू अपनी स्मोक स्क्रीन को यूज करता है और इसके चलते हुए एन शॉक हो जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि इस सिचुएशन में उसकी क्वर्क सबसे ज्यादा यूजलेस है, बट इससे शिगराकी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो अपने डिके यूज करता है ग्राउंड पे। बट देन वो ये देखता है कि डेकू अपनी ब्लैक चेन से एक काफी बड़ा जमीन का पीस लेके वो हवा में था, और उसने ये चीज इसलिए करी ताकि वो डिके से बच पाए। तभी डेकू अपने केप को एज अ बेट भेजता है शिगराकी के सामने अपनी ब्लैक चेन के साथ, एंड उसकी ब्लैक चेन पे ब्लड लगा हुआ था। तभी शिगराकी समझ आता है कि सर्च क्वर्क रिएक्ट या ट्रेस करती है अपोनेंट के ब्लड को, क्योंकि उसको ये लगा कि वहां पे डेकू है, बट ऐसा नहीं था। बट इससे पहले शिगराकी को सोचता डेकू उस पे अटैक करने आ जाता है एंड वो अपने फिंगर सील को एक्टिवेट कर देता है जैसे उसने यूज किया था जब वो फ्लोटिंग यूए के सामने लड़ रहा था। बट डेकू का वो पंच काफी ताकतवर था कि वो मैनेज कर लेता है अपने ब्लड शिगराकी के अंदर डालने में, एंड सेकेंड यूजर शिगराकी के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही कूड़ो शिगराकी के अंदर चला जाता है तभी कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है जिसमें डेकू एंड शिगराकी की मेमोरीज मिक्सअप हो जाती है, लेकिन इतना काफी नहीं था, डेकू को स्टिल फाइट करनी पड़ेगी एंड उसको और क्वर्क ट्रांसफर करनी पड़ेगी शिगराकी के अंदर। और यहीं पर ही हो जाता है माय हीरो एकेडमिया का ये वाला चैप्टर खत्म। बट सोचने वाली ये बात आ जाती है कि क्या ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि वो लोग एक एक करके अपनी क्वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं शिगराकी के अंदर, भले ही वो उसको इंटरनल डैमेज दे रही है एंड उसके मेंटली सिचुएशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड डेकू को भी वो चीज झेलनी पड़ रही है। तो क्या हमें कैरेक्टर के डेवलपमेंट में चेंज होने को देखने को मिलेगा? ये भी हो सकता है। और क्या सिर्फ एक गलती के वजह से पूरा जापान भुगतेगा? और इससे ये क्लियर हो रहा है कि माय हीरो एकेडमी अपने एंडिंग फेज पे है, और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार आगे जाके क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीजें चल रही हैं, डेकू और शिगराकी की फाइट चल रही है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। एंड जिस हिसाब से डेकू एक एक करके अपनी ऑल फॉर वन की क्वर्क उसके अंदर भेजता जा रहा है, और जिस हिसाब से उनकी मेमोरी मिक्सअप हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो अभी डेकू की पर्सनैलिटी है वो आगे जाके चेंज हो जाए, एंड हो सकता है कि वो कुछ और डेकू बन के उभर आए, या फिर हो सकता है वो डेकू शिगराकी में कन्वर्ट हो जाए एंड शिगराकी डेकू में कन्वर्ट हो जाए एज अ पर्सनैलिटी। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोना।